इतना मजा आ रहा है ना आपके साथ बातें करके. आपने आज इतना एंटरटेन किया है कसम से. और थोड़ा आपको एंटरटेन कर दे, हमारे कलाकार कुछ लेके आ रहे हैं आपके सामने. तो सर वैसे तो आप देखते हैं अंदर सर कितनी सारी डिबेट्स चल रही हैं आजकल न्यूज चैनल पे, तो यहाँ पे भी हमने डिबेट रखी है. तो बाकी आप देख लेना कैसे आपको ठीक लगती है उसका जो भी. तो दोस्तों आज एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं हम, तो मजा लीजिए बस और क्या. रद्दी न्यूज. रद्दी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और हम हैं बच्चा यादव. और मैं सपना फ्रॉम नाला सोपर है. वेरी नाइस. तो आज की शाम हमारे साथ हैं सामाजिक फिल्में अधूरी हैं जिनके बिना द वेरी टैलेंटेड अनुभव सिन्हा. और बिहार का एक कौला लौंडा जिसने बॉलीवुड में गर्दा है मचाई. प्लीज वेलकम मनोज बाजपेयी. तो दोस्तों न्यूज यानी के समाचार, यानी के सूचना, यानी के खबर. खबर बनती नहीं है, खबर बनानी पड़ती है. और इस खबर को खबर बनाते हैं हम, क्योंकि खबर खबर होती नहीं है, खबर तो एक्चुअली रबड़ होती है. और इसी खबर को रबड़ की तरह खींच खींच के कभी कभार खबर को कब्र तक पहुंचाना होता है. बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि टाल से टाल को मिलाना होता है. बस करो सर. सर इससे पहले मेरे ज्ञान चक्षु आत्महत्या कर ले, आप शो को आगे बढ़ाइए प्लीज. हाँ. शो को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जरा चाय कॉफी पूछिए. दूध वाला है नहीं सर. ब्रेकिंग न्यूज, हमारा दूध वाला आया नहीं है. 2500 घरों में जाने वाला हमारा ये दूध वाला आज नहीं आया है. क्यों नहीं आया है दूध वाला? दूध वाले कहाँ हो तुम? Where are you दूध वाला? दूध वाला सामने आओ, कहाँ छिपे बैठे हो? इधर उधर क्या देख रही हो? सब पूछो. हाँ मैं पूछती हूँ. कहाँ है दूध वाला? ऐसे पूछते हैं. दूध वाले कहाँ हो तुम? ऐसे पूछते हैं. थका दिया मुझे भी. पानी का ग्लास दो. ग्लास नहीं है सर, जग है. हाँ तो मुझे जग दो. जग दो मुझे. जग दो. जग दो. जग दो मुझे. मुझे जग दो. जग दो मुझे. प्यास लगी है मुझे. जग दो. जग दो. दो तेरी. दो जग दो. आराम से पियो सर. मनोज जी, जी आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सराहते हैं आपको, आपकी फिल्में देखते हैं. तो एक प्यार भरा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे. जी आपको इस इंडस्ट्री में 25 साल का अनुभव है. जी जी जी. तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि 25 साल के अनुभव को छोड़ के आज आप यहाँ पर 55 साल के अनुभव के साथ आए? बताइए, बोलिए. बोलेंगे नहीं आप? नहीं बोलिए. नहीं बोलना चाहता हूँ मैं. मैं बोलना चाहता हूँ. बोलिए ना. नहीं मैं बोल रहा हूँ. कब बोलेंगे? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ. बोलिए तो सही. नहीं बोलने तो नहीं आप कर रहे हैं. आप मुझे बोलने नहीं देंगे. आप बोलेंगे? आप बात ही नहीं करने दे रहे मुझे. सर वो तब बोलेंगे जब आप चुप होंगे ना. एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश. चुप कराया जा रहा है. एक न्यूज एंकर को चुप कराया जा रहा है. आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है यहाँ पे. एक न्यूज एंकर को चुप कराने की साजिश. ये जरूर पड़ोसी चैनल है, दूसरे चैनल है, ये दूसरे चैनलों का काम है. अबे चूसल पाड़ा के चोमू. मैं आप ही की तरफ हूँ मैं. गुड. तो चलिए मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं फिर. अनुभव सिन्हा जी. हाँ जी सर. हम आपकी भी प्रशंसा करते हैं. क्या बात. लाइक करते हैं आपको, पसंद करते हैं आपकी सारी फिल्में हमने देखी है, बहुत बड़े फैन है आपके. लेकिन आपको आज ये जानकर खुशी होगी कि आपके बड़े फैन होने के साथ साथ हम आपके छोटे भाई जॉन सेना के भी बहुत बड़े फैन. सर अपना अपने दिमाग का जांच करवाओ, अंदर से दिमाग मिल जाएगा पक्का. जॉन सेना उनके भाई नहीं है? नहीं है. नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी बहन सोनाक्षी सिन्हा के भी हम बहुत बड़े फैन. अरे सोनाक्षी सिन्हा भी उनकी बहन नहीं है?
अब ये मत बोल देना शत्रुघ्न सिन्हा इनके चाचा हैं, वरना उनके डोले देखें, वो लूडो खेलने के लिए नहीं बनाए, उन्होंने फाड़ डालेंगे हमको। अनुभव सर, वैसे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं जी। मस्त बॉडी वीडी बना रहे आप अभी जिम में जी, जी। तो सर मेरा आपसे एक सवाल था, जब आप जिम खत्म करके अपने घर पे जाते हैं तो आईने में आप अपना सीना देखते हैं कि वहां भी सीना ही देखते हैं? पूरा भारत आज हमारे साथ हंस रहा है जी, हाँ हंस रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सवाल कौन पूछेगा? तेरा बाप थोड़ी पूछेगा, थोड़ी पूछेगा। मैं तो मैं सवाल पूछेगी ना। मनोज सर जी, आपने इतना राजनीति वाला पिक्चर खेला है तो मेरे को जानना था सर, ये कुर्सी के लिए हाँ। लोग किस हद तक जा सकते हैं सर, बताइए ना ये। ओ वो मैं बताऊंगा प्रू, मैं देखो अर्ज किया है, आप मुंह उधर कर लो, मेरा खून खोल रहा है। अर्ज किया है कि तलवार तीर कमान और भाला, वाह वाह कर तेरा कोई मर गया, वाह तलवार तीर कमान और भाला, भाई इस औरत ने चैनल को लूट डाला। तलवार तीर कमान और भाला, इस औरत ने चैनल को लूट डाला, और मड आइलैंड में ये परमीत सेठी के साथ करती है पाला। I crack this dance, as you can see, I crack this dance. Yes, Nora Fatehi, I challenge you. हिम्मत है तो सामने आओ, मेरी कमर में तुम्हारी कमर से ज्यादा लचक है नोरा फतेही, आई चैलेंज। ओ देखो, जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं। अच्छा, जो पसंद ना आए खाने में उसे अरबी कहते हैं, जो तेरी कमर में है उसे लचकनी चर्बी कहते हैं, ठोको। और सुनो मनोज जी, मुंबई में बैंड स्टैंड बा, बैंड स्टैंड में पत्थर बा, वो पत्थर के पीछे लड़का लड़की का कुछ तो बा। मैं बता रहा हूँ। अरे ये सब आप क्या बोल रहे हैं? और मैं देखो, मैं उन्होंने पूछा मुंबई में कहाँ बा, मैं बता रहा हूँ, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं बोल के कमाता था। मैं देखो, मेरी हाइट इतनी ज्यादा है कि मैं रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, पर मेरा रोना निकल रहा। आज जब मेरा अपने घर में मेहमान बन के आऊं, मेरा रोना निकल जाए तो एडिट कर देना। सिद्धू जी, इस पे मैंने भी अर्ज किया है इरशाद, कि अगर कोई दिलबर मिल जाए हाँ। तो जगह भर दे खाली सी, हाँ 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 ने जगह ले ली इस ठोको ताली की। क्या चल रहा है यहाँ, यहाँ चल क्या रहा है, रहा क्या है चल यहाँ क्या? अच्छा, ओए गुरु जितना तू बोलता है, ओए मुझे इस मौके पे एक बहुत याद आई है, पर वो बड़ी गंदी वाली। तू अपने मन से जो सोच सकता ना, बेहतर से बेहतर वो सोच रहे, मैंने तेरे को दे दी। वो तेरे शो में आया, कोई चाय पानी तो पिला यार। अरे सॉरी सर, वो दूध वाला ना थोड़ा लेट हो गया है, अभी सिग्नल पे वो यू टर्न लेगा अभी हाँ। और अभी उसने साइकिल की घंटी भी बजाई है। ब्रेकिंग न्यूज़, दूध वाले ने अभी अभी साइकिल की घंटी बजाई है, साइकिल की घंटी बजाई है दूध वाले ने, क्यों बजाई है ये घंटी? अनुभव जी, मनोज जी सोचिए, क्यों बजाई होगी इस दूध वाले ने साइकिल की घंटी? टर्निंग से मुड़ा होगा तो उसने जो है घंटी बजाई होगी ताकि कोई, ये तो आपने बहुत पॉजिटिव बात कर दी, ऐसी बातों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। एक बात बताइए, आप जब सवाल पूछे तो हम लोग को बोलना है कि खाली सुनना है? आप बोल सकते हैं लेकिन कुछ ऐसा बोलिए जिस पे धमाका हो। अच्छा, तो धमाका तो आप ही के पास। तो क्या लगता है सिद्धू जी आपको, आप बताइए आपको क्या लगता है कि दूध वाले ने ट्रिंग 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 के घंटी क्यों बजाई, क्या इशारा कर रहा है ये? देखो, किसी के बहुत ज्यादा बड़े बच्चे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या कानून आए ना आए, नियंत्रण हो ना हो, लेकिन इतना बड़ा बच्चा पैदा करने पे रोक लगनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।